हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही क्रिस्पी चिकन चीज़ ब्रेड रोल की रेसिपी। बहुत ही आसान तरीके से हम इसको बनाएंगे और बहुत ज़्यादा ये डिलीशियस बनेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये बॉयल्ड चिकन लिया हुआ है और ये मोज़रेला चीज़ है ग्रेटेड, एक टमाटर, एक प्याज, ब्रेड, मैदा, ब्रेड क्रम्स। यहाँ पर हमने कढ़ाई ले ली है, इसमें डाल दिया है एक टेबल स्पून ऑयल। इसमें डाल देंगे प्याज, अच्छे से फ्राई कर लेंगे इसको। जैसे ये फ्राई हो जाती है, इसमें मैं डाल रही हूँ टमाटर चॉप्ड किया हुआ, इसको भी अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। साथ में बॉइल्ड चिकन भी डाल रही हूँ, अच्छे से इन सभी को फ्राई कर लेंगे। एक चम्मच रेड चिली पाउडर डाल देंगे इसमें और एक चम्मच रेड चिली सॉस, अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। साथ ही मैं थोड़ी सी सोया सॉस भी डाल रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको। एक चम्मच नमक डाल दूंगी मैं इसमें, अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको। ये तैयार है, बस फ्लेम ऑफ कर देंगे। थोड़ा सा चीज़ डाल रही हूँ मैं इसमें और अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको। ये देखें कितनी अच्छी लग रही है ये। इसको बॉल में निकाल लिया है मैंने एक। अब हमें ब्रेड ले लेनी है, इसकी साइड्स कट कर देते हैं। वैसे ब्रेड रोल इस तरह भी बनते हैं, हम इसको पानी में डिप कर कर भी बनाते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए हम इस तरह से बना लेते हैं। इसको बेल लेंगे अच्छे से, बिल्कुल पतला हमें इसको बेलना है। जितना ये पतला होगा इतना ही अच्छा ये बनेगा, इस बात का आप खास ध्यान रखिए। सभी इसी तरह बनाकर तैयार कर लेते हैं। सभी बेल लिया है हमने यहाँ पर, ये देखिए एक ले लेंगे पहले। इसमें बिल्कुल बीच में स्टफिंग रख देंगे थोड़ी सी, बिल्कुल बीच में इसको कर देंगे। ऊपर से इस पे चीज़ लगा देंगे बहुत सारा। और इसको अच्छे से रोल कर देंगे, देखिए इस तरह। ये मैदा का बैटर है, इससे चिपका देंगे इसको। इस तरह से कर देंगे अच्छे से, ये देखिए। ये सभी तैयार कर लिया हमने। अब इसको हमें बैटर में डिप कर देना है मैदा के, और फिर ब्रेड क्रम्स में इसको अच्छे से कोट कर देंगे। बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी ये, डीप फ्राई कर लेंगे इसको। बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें इसको डीप फ्राई करना है। इसी तरह सभी फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, बहुत ही क्रिस्पी बनकर ये तैयार हुए हैं। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं रमज़ान चल रहे हैं, तो आप इसको इफ्तार में बनाइए, बहुत ही सभी लोगों को पसंद आएंगे ये। बहुत ही आसान तरीके से इसको मैंने आपको बताया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। मिलती हूँ फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।